ये वो ड्रेस है जिसको पहनने के लिए आई वॉज जस्ट लॉन्गिंग फॉर द लास्ट 3 मंथ्स. और मैं इसको देख देख के कहती, पहले तो मैंने इस बॉडी को अपना डिफॉर्म करके इतना फिट करना है कि मैं ड्रेस पहन सकूँ, और फिर उसके बाद मैं इसको कैरी करूँगी. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी डाइट प्लान जो मैंने आप लोगों के साथ लास्ट पे शेयर की थी, आप लोगों के इतने सारे प्यार और लाइक की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मेरी मेहनत की वसूली हुई. एंड थैंक्स अ लॉट टू ऑल. तो हम एक बर्थडे पे इनवाइटेड थे और वहाँ पर जाने की तैयारी हो रही थी, और मैंने कहा ये बर्थडे की थीम के अकॉर्डिंग की प्रिंसेस लाइक, मुझे इस तरह के फ्लफी फ्लफी बाजू बहुत अच्छे लगते हैं. मुझे इस पूरे फ्रॉक में एक इसका फ्लोरल, एक इसका कलर और दूसरा इसके जो बाजू हैं ये बहुत अच्छे लगे. सो बाहर आजकल सर्दी चल रही है, ज़रा जाते जाते सर्दी ने एक दफ़ा दोबारा अपना आप दिखाया है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं कवर करके जाती हूँ बजाय इसके कि बीमार हूँ. बट इससे सारे बाजू की जो फ्रिल थी, जो ग्रेस थी, वो खत्म हो रही थी. तो मैंने कहा नहीं यार, रहने दो, फैशन के आगे ना नथिंग इज इंपॉर्टेंट. एंड हियर इज माई ज़ारा ड्रेस. ये ज़ारा का ड्रेस था. और यहाँ पर इस तरह के ड्रेसेस के साथ इशू ये बहुत होता है कि आपको फ्लोरल ड्रेसेस के साथ ना मैच करने में स्टॉलर बहुत इशू होता है. अब यहाँ पर क्योंकि मैं खुद नहीं लेकर आई थी, मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, तो आई वॉज लाइक कि यार कैसे मैच करूँगी. फिर मुझे बहुत ही खूबसूरत एक जो स्टॉलर है, एक गिफ्ट मिला था, तो ये काफ़ी हद तक इससे मैच हो रहा था. तो मैंने कहा चलो यार, 2 सालों के बाद फाइनली मैं इसको यूज़ कर रही हूँ. सो यहाँ पर मैंने कहा चलो थोड़ा शूट करें, थोड़ा सा फुल लेंथ दिखाएं क्या सीन है. अगर मैं इसको हील्स के साथ पहनती तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता. अब वाउचर के बगैर तो जाना बिल्कुल भी फिजूल होता है. तो मैंने बीबी के लिए वाउचर तैयार किया, और यहाँ ज़ारा अपने पाँव मार मार के कह रही थी कि मामा मेरा भी नाम लिखें मिस्टर एंड मिसेस फैजल के साथ. अच्छा, मेरी एक बहुत प्यारी फॉलोवर है टिकटॉकर से, उनका भी मुझे थोड़ी देर पहले कमेंट आया कि आपको देख के मैं फॉलो करती हूँ, और मैंने जाके लिया लिडल से वही पफ पेस्ट्री जो आपने यूज़ की, और वो हराम थी. तो मुझे बहुत दुख हुआ. आई एम रियली सॉरी बाय हार्ट, बिकॉज मैं अपनी साइड से हलाल ही देख कर आई, लेकिन उसमें जो आप इंग्रेडिएंट देखते हैं ना, विनाग्रे दे अल्कोहल, अब वो भी 2 टाइप्स के आते हैं, लेकिन ये कंट्रोवर्सी में आ जाता है, इसलिए मैं इन चीज़ों में नहीं फंसती. और मैंने उसके बाद यूज़ करना छोड़ दिया, बिकॉज इसमें भी 2 टाइप्स हैं, वन इज़ हलाल एंड अदर वन इज़ हराम. तो मैंने कहा बजाय इसके कि आप कश्मकश में फंसें, तो मैंने इसलिए उस वीडियो के बाद से मैंने लाना पफ पेस्ट्री को छोड़ दिया है. इसलिए आप लोग भी चाहें तो आप लोग ना उसको बेशक बाय करें. एंड सॉरी अगेन फॉर माई हार्ट. यहाँ पर खाना पीना चल रहा था, बड़ी मुश्किल से ज़ारा को कंट्रोल करके सारा टेक शेक लगवा के मैंने जो है ना खाना खाया. और वापसी पे हम घर के गेट के पास पहुँच गए थे, और मैंने इनको याद करवाया, मैंने कहा फैसल यार इसका तो दूध ही नहीं है. और फिर जब हम अंदर जाएँ तो एक ही होता है कि यार अगर मर्द हज़रात अंदर जाएँ तो वही चीज़ आती है जो आप उन्हें बताते हैं, लेकिन अगर आप खुद अंदर चले जाएँ तो टोकरी इसी तरह भर जाती है.